हेलो फ्रेंड्स, आप सब ने मेरे को कमेंट किया था कि वेडिंग एल्बम किस तरह से बनते हैं, उसका डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग और बाइंडिंग दिखाने के लिए। तो फिलहाल मेरे पास डिज़ाइन और प्रिंटिंग का वीडियो बनाया नहीं, तो बाइंडिंग का एक वीडियो बनाया मैंने। जिस कंपनी के साथ काम करता हूँ उसका एक बाइंडिंग प्रोसेस किस तरह से होता है। तो हर एक स्टेट में, हर एक कंपनी में बाइंडिंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैंने जहाँ पर गया था उसका बाइंडिंग किस तरह से है, तो उसके लिए एक मैं वीडियो बनाया। तो चलिए इसको देखते हैं। तो वीडियो, पूरा वीडियो देखिएगा और कैसा लगा ये बाइंडिंग, और आपके वहाँ पे किस तरह का बाइंडिंग होता है वो भी बताइएगा। तो अच्छा बुरा जो भी हो मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे को बताइएगा। तो चलिए वीडियो बनाते हैं कि किस तरह से वेडिंग एल्बम बाइंडिंग होता है। आज ये जो पूरा बुक जो बाइंडिंग होगा, ये 12 चौंतीस का साइज़ का एक बुक है, उसका बाइंडिंग होगा। ये बुक तैयार है और उसके साथ कवर भी है। तो ये बाइंडिंग कैसे किया जाता है उसका तरीका ये जो बाइंडर है वो बताएगा। कवर को पहले फ्लिप कर दिया और उसके ऊपर ये माउंटिंग लगा रहा है। माउंटिंग एक्चुअली दोनों तरफ ही गाम होता है, बोर्ड पे एक पेस्ट होगा और एक कवर के ऊपर पेस्ट होगा। उतना सा हो जाने के बाद उसको काट देते हैं, फिर ये जो स्टिकर जैसा है इसको उठा देते हैं और उसका गाम जो निकल जाएगा, फिर इसके ऊपर बोर्ड पेस्ट होगा। इसमें थोड़ा बहुत बबल्स रहता है, उसको नाइफ से काट देते हैं, क्योंकि नहीं तो बाद में उसमें यार आ जाएगा। थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ पे लगेगा मेजर जो है उसको काट देते हैं। फिर जो दो बोर्ड है, 12-18 साइज़ का दो बोर्ड है, उसको मेजरमेंट वाइज बिठाएगा। वो टेक्निकल और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं उसको कैसे सीधा बिठाया जाएगा। फिर वो मिडिल में स्पाइन को सेट करेगा, वो भी थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से होगा। फिर दूसरा साइड में बोर्ड को इस तरह से, ये बोर्ड बहुत ही हार्ड और अच्छा क्वालिटी का बोर्ड होता है ताकि बाद में टूट ना जाए। अच्छे फिनिशिंग के लिए कॉर्नर को काट दिया जाता है, फिर इसको मोड़ देंगे। फिर एक अच्छे तरह से पेस्ट होने के लिए फिर एक टेप लगाया जाता है, जो उसका क्वालिटी और गाम भी बहुत स्ट्रांग होता है। देखिए अभी इसको बाइंडिंग, देखिए वो कवर को से बोर्ड के साथ पेस्ट किया। अभी इतने में से ये इसका फ्रंट और ये बैक है, अभी इसके साथ जो बुक है उसको पेस्ट करेंगे। बुक के ऊपर भी फिर से वही माउंटिंग लगाया जाता है जिसका दोनों तरफ में गाम होता है। बोर्ड के एक साइड बुक के साथ पेस्ट होगा और एक साइड कवर के साथ पेस्ट होगा। ठीक है।
फिर स्पाइन को थोड़ा सा और स्ट्रांग करने के लिए वहाँ पे भी थोड़ा सा रेड टेप फिर वापस लगाया जाता है। जितना स्ट्रांग हो पेस्ट, जितना भी अच्छा हो उसके लिए सब किया जाता है। कोशिश वही रहता है कि बाइंडिंग बहुत ही अच्छा हो और स्ट्रांग हो, कभी बाद में ना खुल जाए। तो आप देख सकते हैं ये जो बुक है 1236 का एक एल्बम है, इसको बाइंडिंग करके रेडी तैयार है। तो बहुत एक्सिट चलाएगा।